आज दिन है हफ्ते का और तारीख है 10 फरवरी। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अवामी मैंडेट ने अपना काम दिखा दिया है और इमरान खान की जेल से रिहाई के अहकामात जारी हो चुके हैं। ताकतवरों को अब अवाम के वोटों की ताकत का अंदाजा हो चुका है, इसलिए नाज़रीन अब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जो जमानत है 12 मुकदमात में ये मंजूर हो चुकी है। अवाम के मैंडेट की ये पहली जीत है, इसलिए इमरान खान साहब बार बार कहते रहे कि आप लोगों ने हर सूरत 8 फरवरी को बाहर निकलना है और अपने हक का, अपने मैंडेट का आपने जो है वो दिफा करना है, आपने अपने हक दही को जरूर इस्तेमाल करना है। इनकी जन्म से भरपूर कोशिश की जाती रही कि तरीके इंसाफ का वोटर 8 फरवरी को बाहर ना निकले, इसलिए इमरान खान को इलेक्शन से पहले सजाएं सुनाई गई। 3 केसेस में इमरान खान को लगातार जो है वो सजाएं दी गई ताकि आवाम जो है वो मायूस हो जाए। यहां तक कि इलेक्शन से एक दिन पहले तक ये भी खबरें चलवाई गई कि तरीके इंसाफ ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया, मगर आवाम ने भी अपनी जिद बना ली थी कि हमने इमरान खान को जेल से बाहर निकलवाना है, इमरान खान को हमने इलेक्शन से जितवाना है। तो आखिरकार अवाम की जो वोटों की ताकत है उसने अपना काम दिखाया, अवामी मैंडेट ने अपना काम दिखाया और पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन में जीती भी है। केपीके से तो तरीके इंसाफ क्लीन स्वीप कर चुकी है और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तकरीबन अभी तक की जो अपडेट सामने आ रही तमाम कौमी और सूबाई असेंबली की निशस्तों के नतायज के मुताबिक कौमी असेंबली में तरीके इंसाफ जो है वो 100 सीटें जीत चुकी है और मुस्लिम लीग नून सिर्फ और सिर्फ 76 सीटें जीतने में कामयाब हुई है और पीपल्स पार्टी 53 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। अभी भी 15 सीटों के नतायज रोके गए हैं, ये इसलिए रोके गए ताकि मुस्लिम लीग नून को किसी भी तरह से जितवाया जाए, मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने की पोजीशन में लाया जाए, मगर तमाम तर हरबों के बावजूद भी जो मुस्लिम लीग नून है ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आ रही है। अडियाला जेल के अंदर जो बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है, इस पर बात करने से पहले कि इमरान खान कब जेल से रिहा होने वाले हैं, जज की जनब से किस किस केसेस के अंदर इमरान खान की जो जमानत है और शाह महमूद कुरैशी की ये मंजूर की गई है, इस पर जाने से पहले आपको जरा बताता चलूं कि इस वक्त ताकतवरों की पूरी कोशिश और पूरा जोर लगाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून को जितवाया जाए, मगर जिस तरीके के साथ मुस्लिम लीग नून अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाल रही है और जानबूझ के धांधली करवा के इलेक्शन जीत रहे हैं, सीटें जीत रहे हैं, अब एक एक करके तमाम जो सीटें हैं तरीके इंसाफ को वापस होने वाली हैं। यहां तक कि अब तो मुस्लिम लीग नून के अपने ही लोग ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं। मोहम्मद जुबैर ने नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद की है कि जिस तरीके के साथ नवाज शरीफ साहब अब हुकूमत में आना चाहते हैं, इससे बेहतर है कि नवाज शरीफ साहब अवाम के फैसले को तस्लीम करें और ओपोजिशन में बैठें। नवाज शरीफ साहब कैसे जो है वो विक्ट्री स्पीच कर सकते हैं, किस मुंह से नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच की है जबकि तरीके इंसाफ नंबर 1 पोजीशन पे है, विक्ट्री स्पीच का हक तरीके इंसाफ का बनता है। मोहम्मद जुबैर जैसे लोग भी अब ये कह रहे हैं, यहां तक कि हामिद मीर ने भी ये कहा कि मुस्लिम लीग नून को 8 फरवरी को नहीं बल्कि 9 फरवरी को इनको वोट पड़े हैं। फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे किस किस तरीके के साथ मुस्लिम लीग नून वालों को अब जितवाने की कोशिश की जा रही है। अब नाकाम जो यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका है, बरतानिया है, तमाम के तमाम ममालिक, यहां तक के इंटरनेशनल मीडिया ने भी हाईलाइट कर दिए हैं जो धांधली जिस तरीके के साथ की जा रही है, तमाम तर मुस्लिम लीग नून के लोगों को जितवाया जा रहा है। अब फाफन की जन्म से भी एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है कि टर्न आउट 48% रहा है इस नतायज में और नतायज जारी करने का जो अमल था ये मशकूक है। फाफन इंतखाबात की निगरानी करने वाला एक इदारा है, इसने इंतखाबात के बाद अपनी एक रिपोर्ट मुरतब की और इसका बकायदे तौर पे जो नतीजा है वो जारी किया। इन्होंने कहा कि मुबसरीन को फॉर्म 45 की कापी नहीं दी गई है, आरोज के दफातर में शफाफियत पर सवाल उठ सकता है। ये फाफन की जनब से नाकाम रिपोर्ट जारी की गई। इन्होंने कहा कि आम इंतखाबात से मुतालिक इब्तदाई मुशाहदा रिपोर्ट जारी की है जिसमें मोबाइल फोन इंटरनेट की बंदिश और नतायज में ताखीर पर सवालात उठाए गए हैं। चेयरपर्सन फाफन मुसरत कदीम ने ये जो अपनी रिपोर्ट है ये इनकी जनब से जारी की गई है। तो इससे फिर आप अंदाजा लगाएं कि क्या दुनिया इस इलेक्शन को कबूल करेगी, दुनिया कभी भी इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगी क्योंकि अवाम ने जिस ताकत से या जिस तादाद में तरीके इंसाफ को वोट डाला है अभी तक इनसे ये मैनेज नहीं हो पा रहा। हालांकि 2 दिन गुजर चुके हैं, इलेक्शन के मुकम्मल नतायज आने के 72 घंटे बाद तमाम आजाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शामिल होने के पाबंद होते हैं। चूंकि अभी तक मुकम्मल नतायज नहीं आए हैं, अभी भी 15 सीटें रहती हैं, इसलिए ऐसा समझा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को ये टाइम दिया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके के साथ ये लोगों को मैनेज करें। अब
अभी तक की जो इतलात हैं मुझ तक कुछ तफसीलात पहुंची हैं, 10 आजाद उम्मीदवारों से राबता किया गया है मुस्लिम लीग नून के साथ शमूलियत इख्तियार करने के लिए, मगर उन्होंने आगे से ये कह के इनकार किया कि हम किस मुंह से आपके साथ शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, हमें जो वोट मिला है वो हमें इमरान खान के मुंह के ऊपर या इमरान खान के साथ वफा निभाने के ऊपर मिला है। जो लोग इमरान खान को छोड़ के गए हैं, जहांगीर तीन की मिसाल हमारे सामने है, परवेज खटक और उसके अलावा महमूद खान जो केपीके से साबिक वज़ीर-ए-आला है, इनकी मिसाल हमारे सामने है, दीगर बहुत से ऐसे लोग हैं, राणा सनाउल्लाह, जवेद लतीफ और दीगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के साथ जिन्होंने वफा नहीं निभाई और इमरान खान के ऊपर इल्जामात लगाए, तो अवाम ने फिर भरपूर तरीके के साथ पूरी ताकत के साथ इनसे इमरान खान के ऊपर किए गए तमाम मुजालिम का बदला गिन गिन के लिया है। तो अब इनको बाखूबी अंदाजा हो चुका है कि अगर हम अब लोटे बनेंगे, इनके साथ जाएंगे, तो फिर हम दोबारा से अपने हलकों में किसी भी सूरत अपना जो मुंह है वो दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया। तो अब चूंकि हुकूमत तरीके इंसाफ की बनने जा रही है, तरीके इंसाफ ने केपीके से अपना जो वज़ीर-ए-आला है वो नामजद कर दिया, उसका नाम सामने आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर का नाम सामने आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर को केपीके में जो वज़ीर-ए-आला बनाया जाएगा। आज इमरान खान से मुलाकात भी वकला की जा रही है, उसके बाद वकला आके इमरान खान का जो पॉलिसी बयान है वो भी जारी करेंगे। अभी जो अवाम की ताकत को देखते हुए तमाम तर जो सिस्टम है उसको मैनेज करने के बावजूद भी, तमाम तरह हथकंडे अपनाने के बावजूद भी नवाज शरीफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए इस चीजों को देखते हुए या अवामी मैंडेट का अंदाजा लगाते हुए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो रिहाई है इसके अहकाम जारी हो चुके हैं। आज इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी ने काय तरीके इंसाफ और साबिक वज़ीर ख़ारजा को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के 9 मई वाकयात के 12 मुकदमात में जमानतें मंजूर की हैं। इन्होंने कहा कि अगर ये किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो फौरी तौर पे इनको जो है वो जेल से रिहा किया जाए। इसके ऊपर उन्होंने बताया गया कि रावलपिंडी के अडाला जेल में होने वाली समाअत के दौरान ATC प्रोसिक्यूटर ने अदालत से केस की समाअत मुलतवी करने की सदा की, तहम अदालत की जानिब से इनकी इस सदा मुस्तद कर दी गई और रिकॉर्ड के मुताबिक जमानत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया गया है। तो इसी तरह शेख रशीद की भी 9 मई के केसेस में जमानत मंजूर कर ली गई है। अडाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई के मुकदमात में दरखास्त जमानत केस पर अपना जो फैसला है वो सुनाया है। दूसरी तरफ इमरान खान को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जनब से इजाजत दी गई उनके वकला को कि वो जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करें, और इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद जो इमरान खान का पॉलिसी बयान होगा इलेक्शन जीतने के हवाले से वो फिर जो है वो पार्टी को या मीडिया को वो जारी करें। मगर अभी जो तरीके इंसाफ ने जिस तरीके के साथ नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया है, इनके ऊपर पानी फेर दिया है, क्योंकि तरीके इंसाफ की तरफ से बारह बारी ऐलान किया जा रहा है कि हम अपनी हुकूमत बनाने की पोजिशन में हैं। तरीके इंसाफ जब तक तमाम जो है वो नतायज का ऐलान नहीं किया जाता है तब तक तरीके इंसाफ अपना पूरा जो होमवर्क है वो मुकम्मल कर लेगी, और एन मुमकिन है कि शिरानी ग्रुप के साथ तरीके इंसाफ अपना इत्तेहाद करेगी। शिरानी ग्रुप में तमाम तरीके इंसाफ के जीतने वाले आजाद उम्मीदवार शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, उसके बाद फिर इनको मखसूस नशस्तें भी मिलेंगी, तरीके इंसाफ की मजीद सीटें बढ़ जाएंगी। यूं तरीके इंसाफ दीगर जमातों को साथ मिला के अपनी हुकूमत बनाने की पोजिशन में आ जाएगी। अब तक लेते हैं अपनी फीडबैक का इजाजत मन सक्ष में लाजमी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।